मजगांव टॉक ने अपने क्यूबन के नंबर्स को पब्लिश कर दिया है। देखते हैं इनके नंबर्स कैसे आए हैं। कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने वाले और आपको जो भी नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो लैक्स में हैं। मैं आपको इसको करोड़्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में या टोटल इनकम को देखें, लास्ट के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम थी वो लगभग 2405 करोड़ की थी, वो इस क्वार्टर में बढ़कर 2628 करोड़ की हो गई है। मतलब यहाँ पे 92 बेसिस पे आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं इसको क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो लगभग 3452 करोड़ की थी। मतलब क्यू एन क्यू बेसिस पे तो आपको ड्रॉप देखने को मिला है और 92 बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है इनकम के अंदर। कंपनी के खर्चे देखें, लास्ट के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 2022 करोड़ के थे, वो इस क्वार्टर में 1793 करोड़ के रह गए। मतलब यहाँ पे कंपनी की इनकम तो बढ़ी है बट यहाँ पे कंपनी ने खर्चों में अच्छा खासा कंट्रोल किया है, जिसका सीधा इंपैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में दिखाई देगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें, लास्ट के सेम क्वार्टर में जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 314 करोड़ का था, वो इस क्वार्टर में 696 करोड़ का हो गया है। मतलब यहाँ पे वाइनवाई बेसिस पे आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, लगभग डबल से भी ज़्यादा इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को दर्ज किया है। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो उस टाइम पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 662 करोड़ का था। मतलब यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट वाइनवाई बेसिस पर तो काफ़ी बेहतरीन है और क्यू एन क्यू बेसिस पर भी इन्होंने लगभग 10% का जंप दिखाया है। कंपनी का अगर ईपीएस देखें, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का ईपीएस 15.59 हुआ करता है, वो इस क्वार्टर में 34.51 हो गया है। मतलब ईपीएस में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुल मिला के नंबर्स इसके काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो यही थे मजगांव डॉक के क्यूबन के नंबर्स। थैंक यू।